हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम स्मूथ की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए देखो, हमारे पास ये कपड़ा है। तो इसमें हमने कटिंग ऐसे करनी है कि हमारी स्मूथ के एक तो कंधे ना गिरे और गला हमारा पीछे ना जाए, मतलब फ्रंट ऊपर ना चढ़े और गला पीछे ना जाए। कई बार हमारे साथ क्या प्रॉब्लम होती है कि हमारा गला बार बार पीछे जाता है, तो उस प्रॉब्लम का सॉल्व हम इसी वीडियो में करेंगे। तो उसके लिए हम देखो, हमारे पास माप है। लंबाई हमने लेनी है 38, ब्रेस्ट का माप है हमारा 50, कमर है 43, 43.5 और हिप है 52। इसमें गला हमने लेना है 7.5 का और बैक का 8। दोनों ही गले हमारे डीप है, तो उसके हिसाब से हमने तीरा लेना है ताकि हमारे कंधे ना गिरे और हमारा गला पीछे भी ना जाए। और इसमें कंधे हमारे 16, तो उसके हिसाब से हम सूट की कटिंग करेंगे। सबसे पहले देखो, मैंने ये कपड़े को ऐसे बिछा लिया 4 फोल्ड में, 1, 2, 3 और ये 4 फोल्ड कर लिया है। और नीचे वाला पार्ट मैंने 1 इंच बढ़ा के रख लिया है यहाँ पे। ये देखो, यहाँ पे 1 इंच बढ़ा के रखा है हमने फ्रंट वाले पार्ट से। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो आर्म होल का निशान, तो यहाँ पे हमारी ब्रेस्ट साइज है 50, तो उसके हिसाब से हमने आर्म होल लेना है। तो ये और हमारा बड़ा साइज है, तो इसके हिसाब से हम आर्म होल लेंगे 7.5, मतलब 7.5, 7.5 लेंगे। नॉर्मली हम क्या लेते हैं, 7.5 या 7 लेते हैं, यहाँ पे हम 7.5 लेंगे। और कमर का निशान हम लेंगे वही 15 पे और हिप का निशान हम 22 पे। ऐसे ही यहाँ पे भी कर लेंगे 7.5 पे, 15 पे और 22 पे। उसके बाद हमने लंबाई, जितनी भी हमने लंबाई लेनी है, लंबाई का निशान लगाना है। लंबाई यहाँ पे मेरे को लेनी है 38, 38 में मैं निशान लगाऊंगी और 3 इंच का, 3.5 इंच का हमें मार्जिन ले लूंगी यहाँ पे उसके हिसाब से। तो ऐसे ही हम यहाँ पे भी लगा लेंगे एक बार 38 और 2.5 इंच का हम मार्जिन, इन निशानों को हम सीधा कर लेंगे। सीधा करने से पहले गाइस देखो, हमने यहाँ पे क्या लिया है, हमने आर्म होल लिया है 7.5 लिया है यहाँ पे, बट इसमें हमने बैक पार्ट एक पार्ट उठा के काटना है क्योंकि हमारा गला पीछे जाता है। तो इससे क्या होगा, हमारा गला पीछे नहीं जाएगा। तो यहाँ पे हमारा एक इंच यहाँ पे बढ़ गया, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 0.5 इंच यहाँ पे कम कर लेंगे, 7.5 पे निशान लगा लेंगे। यहाँ पे हम 0.5 इंच ही कम क्यों करेंगे, क्योंकि 1 इंच है, 0.5 इंच, एक में से आधा हमारा बैक का हो गया और आधा हमारा हो गया फ्रंट का, तो हमारा वही 7.5 निकल जाएगा। तो यहाँ पे मैं 7.5 पे निशान लगाऊंगी, सॉरी यहाँ पे मैंने ये 7.5 लिया। देखो ये इसमें से आधा हमारा ये 1 इंच का हम लेंगे, 1 इंच पे निशान लगा लेंगे हम बैक के लिए पूरे पे, ये 1 इंच पे, एक में से देखो आधा ये हमारा हो गया बैक का, और अगर हम इसको ऊपर उठा के करते तो आधा हमारा हो गया ये फ्रंट का, तो ये हमारे बैक में एडजस्ट हो गया 0.5 इंच। तो यहाँ पे तो फ्रंट में हमने इसलिए 0.5 इंच कम लिया। तो इसको हम निशानों को सीधा कर लेंगे। हिप से भी हम इसको सीधा कर लेंगे। तो गाइज यहाँ पे हमारे कंधे थे 16 तैयार, जो हमने माप लिया बॉडी का उसमें हमारे कंधे 16 आ रहे थे। तो इसमें हम क्या करेंगे, 16 में से 1 इंच कम कर लेंगे 15, और 15 का हाफ हम ले लेंगे 7.5। कोई भी अगर बॉडी से कंधे मापो तो उसमें से 1 इंच कम करके और उसको डिवाइड कर लेना
आधा, और यहाँ पे हमने कंधे 7.5 लिए हैं, तो आर्मोल हम लेंगे एक आधा इंच कम करके 7 पे। किसी भी सूट के कंधे जितने भी हों उसका हमने आधा करना है और इसके हिसाब से आर्मोल लेना है। और 1.5 इंच हम बैक की के लिए कटिंग पे निशान लगाएंगे यहाँ पे, और इनको हम सीधा कर लेंगे। और यहाँ पे हम गले का निशान लगाएंगे 3 पे, और ये फ्रंट बैक वाले को भी हम सीधा कर लेंगे पार्ट को। और यहाँ पे भी हम गले का निशान लगा लेंगे 3 पे, और यहाँ से हम आधा इंच का डाउन दे देंगे। ये जरूरी होता है हमने डाउन देना, इसी से क्या होता है कि हमारे कंधे गिरते नहीं है। कई बार क्या होता है कि हमारे सूट में कंधे हमारे बार बार नीचे की तरफ गिरते रहते हैं, तो अगर आप लोग ऐसे ही आधा इंच डाउन करके कटिंग करोगे तो आपके कंधे कभी नहीं गिरेंगे। और ये एक इंच हमने बढ़ा के जो काटा उसकी वजह से हमारा क्या होगा, गला कभी भी पीछे नहीं जाएगा सूट का। तो यहाँ पे हम लगाएंगे ब्रेस्ट का निशान 12.5 पे, कमर का निशान 11 पे, और हिप का निशान है हमारा 13 पे। उसके बाद हम लगाएंगे अब प्लेट का निशान, हमने बीच वाली प्लेट डालनी है तो प्लेट का निशान हम लगाएंगे 12 पे, और 6 इंच यहाँ पे हम लंबी कर लेंगे प्लेट, क्योंकि ये देखो जो ये हमारी कमर है यहाँ से ऊपर से 3 इंच बढ़ा के तो हम नीचे भी 3 इंच ही बढ़ा लेंगे। और इसकी हम चौड़ाई ऐसे रखेंगे 4, नॉर्मली जो साइज होता है उसमें हमने लेनी है 3.5, और हैवी साइज में हमने लेनी है 4, और इसको हम मिला देंगे। और यहाँ पे प्लेट का निशान बना लेंगे आधा इंच यहाँ पे और आधा इंच यहाँ पे, और इनको मिला देंगे। तो ये 1 इंच हमारा यहाँ पे कम हो गया, तो वही 1 इंच हम यहाँ पे कमर में बढ़ा लेंगे और इस पे निशान लगा लेंगे, और इन निशानों को हम सीधा कर लेंगे। और 2-2 इंच का हम यहाँ पे मार्जिन रखेंगे। तो 2-2 इंच का यहाँ पे हम मार्जिन ले लेंगे। आर्मोल की शेप दे देंगे हम, ये हमारी बैक की और ये हमारी फ्रंट की। और यहाँ पे हम हिप को भी मिला देंगे नीचे से 13, जो भी हमारी हिप है घेरा भी हम उतना ही लेंगे 13 इंच का। ये 13 पे निशान लगा के हम इनको ऐसे मिला देंगे। तो देखो गाइस अब इसकी हम कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है, जब भी आप सूट की कटिंग करो तो सबसे पहले बैक पार्ट की कटिंग करो, फ्रंट पार्ट की कटिंग मत करो। तो यहाँ पे हम बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे। और ये 2-2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। उसके बाद हम गले का निशान लगाएंगे फ्रंट पे भी और बैक पे बीच में और यहाँ पे भी, ताकि जब हम गला बनाए फ्रंट और बैक का तो हमारा सेम गला बने। उसके बाद हम फ्रंट की कटिंग करेंगे। फ्रंट की यहाँ से हमारी कटिंग है, यहाँ से हम
आधा इंच जो डाउन दिया था वो कटिंग कर लेंगे और ये आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। देखो गाइस, उसके बाद नीचे हम घेरे से कट कर लेंगे। ब्रेस्ट पे कट का निशान लगा लेंगे हम, एक निशान हम यहाँ पे कमर पे लेंगे और यहाँ पे हिप पे, ये निशान हमने जरूर लेने हैं। उसके बाद इन निशानों को हम पीछे की तरफ ऐसे निकाल लेंगे, हम कैंची लेंगे ऐसे और ऐसे दबाव बनाएंगे, तो इससे क्या होगा हमारे जो निशान है ना ऐसे सेम पीछे ऊपर जाएंगे। देखो ऐसे यहाँ पे हम क्रॉस का निशान लगा लेंगे, और यहाँ पे भी यहाँ पे देख चारों पार्टों पे हमने ये निशान ले लेने हैं कमर के और हिप के। उसके बाद जो प्लेट है हम इस पे भी निशान लगा लेंगे, एक यहाँ पे एक यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे, इन निशानों को भी हम ऐसे ही लगा लेंगे। यहाँ पे चारों निशानों पे क्रॉस का निशान बना लेंगे। निशान हमने लगा लिए और यहाँ पे हम जो हमने घेरा था उस पे भी हम निशान लेंगे, 2.5 इंच का एक्स्ट्रा का यहाँ पे कट का निशान लगा लेंगे ताकि फोल्ड जब हम करें तो एक जैसा हमारा फ्रंट और बैक फोल्ड हो जाए। तो ये देखो हमारी सूट की कटिंग होगी। अगर आप लोग इस तरीके से सूट की कटिंग करोगे, आर्म होल ऐसे लोगे, कंधा लोगे, आधा एक इंच पार्ट बैक पार्ट बढ़ा के कटिंग करोगे तो आपका गला कभी भी पीछे नहीं जाएगा, ना ही आपके कंधे गिरेंगे। तो ये हमारी स्मूथ की कटिंग होगी। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो गाइज, आपको अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।